हेलो एवरीवन हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड न्यूट्रिशन एनिमल्स इस सेशन में हम ह्यूमन बींस में डाइजेशन कैसे होता है मतलब ह्यूमन बींस को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है वो हम पढ़ने वाले थे तो हमारा जो न्यूट्रिशन होता है जो हमारा आ, वो हमारे माउथ से ही बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है जो हमारा खाना होता है वो छोटे छोटे भागों में बट जाता है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इंजेशन बोलते हैं हम खाना खाते हैं मुंह से और छोटे छोटे भागों में चबा चबा के उसको डिवाइड कर देते हैं और इस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं मतलब खाना खाना बकल कैविटी का यहाँ पर मतलब क्या है कि हमारा जो मुँह होता है जिसमें दाँत होते हैं जीभ होती है तो ये सारी चीज़ तो बकल कैविटी जिसमें दांत होते हैं तो हमारे दांत क्या करते हैं खाने को च्यू करते हैं मतलब खाने को चबाते हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो हमारे मुँह से ही स्टार्ट हो जाती है क्योंकि हमने वो देखा था डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो बड़े बड़े रूप में है उसको काय में कन्वर्ट करना सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना छोटे छोटे भागों में कन्वर्ट करना इसी को ही हम डाइजेशन बोलते हैं तो जैसे ही खाना हमारे मुंह में जाता है तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में उसको चबाते हैं तो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो हमारे मुँह से ही स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर आपको टीथ का डायग्राम दे रखा है कि अलग अलग दांत जो होते हैं वो अलग अलग काम करने के यूज़ में आते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे एक एक्टिविटी भी दे रखी है जिस एक्टिविटी टेबल टू पॉइंट टू जिसमें आपको लिखना है कौन से दांत काय के लिए यूज़ में आते हैं कि किससे हम कटिंग करते हैं तो कटिंग एंड बाइटिंग के लिए आगे के जो चार दाँत होते हैं वो यूज़ करते हैं हम उसके बाद पियर्सिंग के लिए जो साइड साइड में जिसको हम क्या बोलते हैं Uh, नाइन तो ये गाय के लिए यूज़ में आते हैं हमारे पियर मतलब किसी को भी uh, किसी में भी छेद करने के लिए काम में आते हैं किसको भी अगर कुछ भी पैकेट हमें खोलना होता है टीयर करना होता है तो उसके लिए ये वाले दांत काम में आते हैं और फाइनली खाने को चबाने के लिए च्यू करने के लिए हम कौन से पीछे के जो दाँत होते हैं उसका यूज़ करते हैं जिसको मोलर बोलते हैं और प्री मोलर मोलर, मोलर बोलते हैं तो इसको हम यूज़ करते हैं खाने को चबाने के लिए और माउथ में क्या होता है सेलेवरी ग्लैंड्स होती है हमने देखा था सेलेवरी ग्लैंड्स होती है जिससे क्या निकल सीक्रेट होता है सलाइवा सीक्रेट होता है सलाइवा मतलब थूक सीक्रेट होता है जो कि क्या करता है हमारे खाने को गीला करता है मॉस्ट करता है और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने में मदद करता है और हम उसकी वजह से हम खाने को निगल पाते हैं सोलो कर पाते हैं तो ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दे रखी है कि द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर कि जो सलाइवा होती है वो क्या करती है जो स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देती है जो हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है ठीक है कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च होता है तो स्टार्च को वो शुगर में कन्वर्ट कर देती है तो जो डाइजेशन की हमारे मुंह में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है इसी को ही हम फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन बोलते हैं कि हमारे मुँह में हमने खाना खाया छोटे छोटे भाग में डिवाइड करा इसका मतलब क्या है कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करा अब देखो स्टार्च शुगर कार्बोहाइड्रेट ये होता क्या है तो एक बार आपकी बुक में इसको ठीक से नहीं दे रखा है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है ठीक है कार्बोहाइड्रेट में शुगर होती है वो एक कंपोनेंट ऑफ द फूड होता है जिसमें शुगर होती है स्टार्च होता है फाइबर्स होते हैं ठीक है थेके? शुगर होती है वो स्वीट होती है ठीक है ग्लूकोज भी बोलते हैं शुगर को हम ये एक सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है ठीक है सिंपल फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का ये हमारी बॉडी आराम से ऑब्जर्व कर लेती है ग्लूकोज जिसे बोलते हैं शुगर जिसको बोलते हैं इसके बाद स्टार्च जो होता है स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट uh, होता है मतलब कार्बोहाइड्रेट का एक बड़ा फॉर्म होता है जिसको हमारी बॉडी वैसा का वैसा ऑब्जर्व नहीं कर सकती तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमारी बॉडी को क्या करना पड़ता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना पड़ता है जो स्टार्च है एक मोटा सा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी उसको वैसा का वैसा नहीं खा सकती तो उसको काय में कन्वर्ट करना पड़ता है छोटे छोटे भागों में मतलब शुगर में कन्वर्ट करना पड़ता है जो जो कि हमारी बॉडी आसानी से डाइजेस्ट कर लेती है तो जो शुगर होती है वो स्वीट होती है लेकिन जो स्टार्च होता है ये व्हाइट कलर का होता है और टेस्टलेस होता है ठीक है तो हम जब, जब सलाइवा मिक्स होती है तब वो कैसा हो जाता है जो का स्टार्च होता है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है शुगर में कन्वर्ट हो जाता है फिर हमारी बॉडी उसको ऑब्जर्व कर लेती है योर बॉडी नीड्स टू ब्रेक स्टार्च डाउन इन शुगर टू यूज़ देम फॉर एनर्जी हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए काय की ज़रूरत होती है स्टार्च की ज़रूरत नहीं होती शुगर की ज़रूरत होती है ठीक है स्टार्च हम हमारी बॉडी स्टार्च को उसके वैसे मोटे से फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकती कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकती हमारी बॉडी को सिंपल फॉर्म लगता है कार्बोहाइड्रेट का मतलब सिंपल फॉर्म मतलब शुगर लगता है ग्लूकोज लगता है हमारी बॉडी को तो वही जो चीज़ हमारे मुँह में हम जो स्टार्च खाते हैं वो क्या कर देती है हमारे दाँत से और सलाइवा उस पर असर करती है और वो काय में कन्वर्ट हो जाता है शुगर में कन्वर्ट हो जाता है ताकि हमारी बॉडी उसको यूज़ कर सके तो बेसिकली सलाइवा क्या करती है हमारी बॉडी स्टार्च को ऐसा कैसा यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है तो सलाइवा क्या करती है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देती है हम जब जब आते हैं तब सलाइवा जब हमारे खाने पर एक्ट करती है तब वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देती है एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है जो हमारी बॉडी आसानी से यूज़ कर पाती है ऑब्जर्व कर पाती है तो ये बात आप हमेशा याद रखना जो कार्बोहाइड्रेट होता है तो जो उसमें जो स्टार्च होता है हमारी बॉडी वैसे वैसे उसको नहीं कर सकती तो माउथ हमारे माउथ में सलाइवा जो होता है उसको में कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है और यही सबसे फर्स्ट फॉर्म स्टेप होती है डाइजेशन की हमारे मुँह के बाद बिल्कुल कैविटी में क्या होता है आ, टंग होती है टंग एक फ्लैशी मस्क्युलर ऑर्गन होता है जो हर डायरेक्शन में हमारे मुँह में घूम सकता है टंग के जीभ के काम क्या क्या होते हैं तीन मेन काम होते हैं सबसे पहले तो ये हमारे बोलने में मदद करता है टॉकिंग में मदद करता है सेकेंड चीज़ है कि जो सलाइवा है तो जब हम चबाते हैं चीज़ को तो सलाइवा पूरे मुंह पर कैसे आ, आ, मिक्स होती है पूरे मुंह में कैसे फैलती है टंग की वजह से ही पूरे मुंह में फैल पाती है उसके बाद चीज़ को सोलो करने में खाने को सोलो करने में मतलब गटकने में भी टंग हमारी मदद करती है इसके बाद हम जो भी टेस्ट कर पाते हैं वो भी टंग की वजह से टेस्ट कर पाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टेस्ट भी हम टंग की वजह से ही कर पाते हैं अब आपको पता है पूरे जिबान में, में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का टेस्ट आता है जैसे हमारी जो जीप का फ्रंट वाला पोर्शन होता है वहाँ पर हमें मीठा स्वाद आता है इसके बाद जो इसका साइड साइड का पोर्शन होता है वहाँ पर हमें थोड़ा खट्टा सा सावर वाला स्वाद आता है इसके बाद जो पीछे पीछे का चरखा और स्पाइसी फूड जब हम खाते हैं तो हमें वहाँ पर आ, टेस्ट आता है तो ये अलग टंग के अलग अलग पोर्शन में हमें अलग अलग टेस्ट मह महसूस होता है अब यहाँ पर आपको दो बॉक्स दे रखे हैं सबसे पहला बॉक्स यही है कि मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ क्या होते हैं इसका डिफरेंस बता रखा है तो मिल्क टीथ क्या होते हैं जो दूध के दाँत जिसे हम बोलते हैं जो आपके सिक्स टू एट ईयर्स तक होते हैं बचपन से ले कर सिक्स टू एट ईयर्स तक फिर वो टूट जाते हैं उसके बाद जो टीथ आते हैं वो कौन से होते हैं हमारे परमानेंट टीथ होते हैं जो कि हमारे जितने लाइफ टाइम तक हम रहेंगे वही वाले टीथ होते हैं अगर हम अगर उसका केयर करेंगे तो वो अच्छे से रहते हैं नहीं तो ओल्ड एज हम जो बूढ़े होने लगते हैं तब हमारे जो दाँत हैं वो गिरने लगते हैं अगर हम आ, उसको ठीक से केयर नहीं करते लेकिन अगर हम उसकी ठीक से केयर करते हैं तो वो परमानेंट टीथ होते हैं पूरी लाइफ टाइम के लिए वो हमारे टीथ होते हैं इसके बाद हमें टीथ डीके के बारे में एक के बारे में आपको एक पैराग्राफ दे रखा है तो इसमें बेसिकली क्या बोला है आपको कि जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में बैक्टीरिया तो 24 फोर इंटू सेवन प्रेजेंट रहते हैं लेकिन वो बैक्टीरिया अच्छे होते हैं लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जब कुछ भी खाना हमारे आ, फस फंस जाता है कुछ भी खाना अगर ठीक से आ, ब्रश नहीं किया होता तो निकला हुआ नहीं रहता है फँसा हुआ होता है हमारे दाँतों के अंदर तो वो खाना जो होता है उसकी वजह से कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कुछ हार्मफुल एसिड्स निकालते हैं जो शुगर मतलब जो खाना हमारे मुंह में अटका रहता है जो कि शुगर हो गया है ठीक है वो स्टार्च था तो शुगर में कन्वर्ट हो गया तो जो शुगर जो लेफ्ट ओवर खाना हमारे मुंह में अटका हुआ रहता है उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ एसिड्स बनने लगते हैं और वो एसिड क्या करते हैं हमारे टीथ को डैमेज करने लगते हैं अगर हम ओवर अब, और ये क्या करते हैं हमारे दांतों को सड़ाने लग जाते हैं और हमारे दांत इसकी वजह से टूथ डीके हो जाता है कि हमारे कभी कभी दांत खराब हो जाते हैं दांतों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि मील के बाद कुछ भी खाने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए तो हर वक्त हम जो भी खाते हैं तो पॉसिबल नहीं है ब्रश करना तो एटलीस्ट हमें ट्वाइस ए डे मतलब दो बार तो दिन में ब्रश करना ही चाहिए सुबह उठने आ, कर और रात को सोने से पहले ताकि जो सोने जाए उससे पहले हमारे मुंह में कोई खाना अटका ना हो तो ये जो पूरी था कि माउथ में हमारा क्या होता है तो बकल कैविटी में खाना जाता है और का क्या होता है माउथ में डाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है जिसमें जो स्टार्च होता है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है शुगर में कन्वर्ट हो जाता है जो कार्बोहाइड्रेट जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है जिसको हम स्टार्च बोलते हैं वो काय में कन्वर्ट हो जाता है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है मतलब शुगर में कन्वर्ट हो जाता है अब उसके बाद क्या होता है तो फूड पाइप होता है जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं हमारे मुंह से हम जो भी खाना गटकते हैं वो ईसोफेगस से कहाँ पर चल जाता है जो फूड पाइप है उससे कहाँ से हमारे पेट में चले जाता है ईसोफेगस क्या होती है मुँह से लेकर पेट के बीच तक की एक नली होती है जो भी खाना हम सोलो करते हैं वो फिर हमारे पेट में इसोफेगस के थ्रू चले जाता है अब यहाँ पर पहली क्वेश्चन कर रही है कि जो खाना है वो नीचे की तरफ ही जाता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमें वॉमिटिंग होती है जब हमें उल्टी होती है तब खाना ऊपर की ओर कैसे आ जाता है ठीक है तो इसका आंसर क्या है कि नॉर्मली तो खाना नीचे की तरफ ही जाता है ठीक है जो फूड पाइप है जो ईसो फेगर से वो इस तरीके का बना होता है जो खाने को नीचे की ओर धकेलता है लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारा जो स्टमक होता है वो खाने को एक्सेप्ट नहीं करता हो सकता है उसमें बैक्टीरिया हो हो सकता है आपने सड़ा हुआ खाना खा लिया हो खराब खाना खा लिया हो तो अगर ऐसे हम खाना खा लेते हैं तो स्टमक हमारा जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और बाहर भेज देता है तो अब वो फिर ईसो से हमारा खाना क्या होता है ऊपर की ओर आके वॉमिट हो जाती है हमें और वो खाना निकल जाता है क्योंकि हमारा स्टमक उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो मुंह में जब स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि ईसोफेगस से हमारे पेट में स्टमक में खाना चले जाता है तो अब स्टमक में स्टमक में क्या होता है द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग Uh, हमारा स्टमक जो होता है वो जे शेप का होता है ठीक है थिक वॉल्ड बैग मतलब एक बैग की तरह होता है जिसमें हमारा खाना सब जा चले जाता है बैग की तरह होता है और जे शेप का होता है ये क्या होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट मतलब सब, सबसे चौड़ा पार्ट होता है इस इसमें क्या करता है फूड uh, पाइप से खाना लेता है और इसके बाद कहाँ पर स्मॉल uh, इंटेस्टाइन में खाना uh, छोड़ देता है तो जब तक पेट में हमारा खाना होता है तो पेट में क्या होता है तो जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की यानी अंदर की जो लाइनिंग होती है स्टमक की उसमें से क्या सीक्रेट होता है क्या निकलता है म्यूकस निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है और डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं तो आप याद रखिएगा हमारे पेट में तीन चीज़ें निकलती है क्या निकलता है क्या सीक्रिट होता है म्यूक्यस सीक्रीट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और डाइजेस्टिड जूसेस निकलते हैं तो अब तीनों के काम क्या क्या होते हैं तो जो म्यूकस होता है वो क्या करता है हमें आ, हमारी जो इन आ, स्टमक की जो इनर लाइनिंग है ठीक है हमारा स्टमक बहुत नाजुक है तो उसकी जो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है उसके बाद जो एसिड निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो निकलता है एसिड क्या करता है हमारे खाने को गला देता है, है तक ताकि हमारा खाना जो है वो पच सके साथ में क्या करता है जो कि बैक्टीरिया भी बहुत सारे खाने के साथ आ जाते हैं ठीक है आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं तो बहुत सारे खाने के साथ भी हम खा लेते हैं बैक्टीरिया तो वो उनको भी क्या करता है मार देता है और फाइनली जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनका काम काम क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है ठीक है हम जो खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट तो पहले ही हो गया तो प्रोटीन जो होता है प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है तो एट द एंड हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे मुंह में क्या डाइजेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट होता है ठीक है स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट होता है उसके बाद हमारे पेट में क्या डाइजेस्ट होता है प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं ठीक है प्रोटीन जो खाते हैं हम वो हमारे पेट में डाइजेस्ट होता है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है अब पेट के बाद हमारा खाना काय में चल जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन एक 7.5 मीटर लॉन्ग ऐसी कॉइल्ड होती है एक पाइप जैसा होता है जो छोटे छोटे उसमें होता है तो 7.5 मीटर जितना लंबा होता है ये इसमें भी खाना डाइजेस्ट होता है तो खाना डाइजेस्ट करने के लिए जो आ, इसमें जूसेस कहाँ से निकलते हैं कहाँ से लिक्विड निकलता है लीवर से निकलता है और पैनक्रियाज से स्मॉल uh, इंटेस्टाइन में आता है इसके साथ साथ इसके अंदर भी कुछ कुछ जूसेस सीक्रेट होते हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए लीवर अब लीवर से कुछ निकलता है लीवर से क्या निकलता है लिवर एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड होती है मतलब रिवर रेड कलर का होता है जो कि हमारे अपर पार्ट में होता अपर पार्ट के राइट साइड में होता है ये एकदम लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में ठीक है लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में और ये क्या सीक्रेट करती है बाइल जूस सीक्रेट करती है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए और ये बाइल जूस कहाँ पर स्टोर होता है गैल ब्लैंडर में स्टोर होता है और ये बाइल जूस जो होता है वो काय को डाइजेस्ट करने में मदद करता है तो बाइल जूस फैट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है फैट्स भी क्या होते हैं कंपोनेंट ऑफ द फूड होता है जो हम खाते हैं उसमें फ़ैट्स भी होते हैं तो फैट्स को डाइजेस्ट कौन करता है बाइल जूस होता है बाइल जूस कहाँ से निकलता है ग, आ, रहता कहाँ पर है गैल ब्लैंडर में रहता है गैल ब्लैंडर कहाँ है लिवर से निकलता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर खाना जैसे ही पहुँचता है तो कहाँ से सिक्रीशन आता है आ, एक तो लीवर से आता है लीवर से क्या कौन सा जूस आता है बाइल जूस आता है जो कि फैट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है फिर कहाँ से सिक्रेशन आता है पेनक्रिया से सिक्रेशन आता है पेनक्रिया एक लार्ज क्रीम कलर का होता है ये हमारी बॉडी में क्रीम कलर की ग्लैंड होती है ये और कहाँ पर लोकेटेड होती है हमारे स्टमक से ऊपर ठीक है जस्ट बिलो द स्टमक तो सॉरी स्टमक के नीचे बिलो द स्टमक मतलब स्टमक के नीचे ये होती है पेनक्रियास पेनक्रियास क्या सीक्रीट करती है कौन सा जूस सीक्रीट करती है द पेनक्रियाटिक जूस acts on ऑन कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन्स एंड चेंजेस them इन टू सिंपलर फॉर्म्स तो जो पेनक्रियाटिक जूस निकलते हैं वो काय को uh, काय को एक्ट करते हैं काय को डायजेस्ट करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होता है फैट्स जो होता है प्रोटीन्स जो होता है जो बच गया है अभी अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो उसको डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है पैनक्रियाटिक जूस हेल्प करते हैं और उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही स्टमक से पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाता है उसके बाद लिवर क्या सीक्रेट करता है बाइल जूस सीक्रिएट करता है जो फैट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है उसके बाद फिर पैनक्रियाज क्या सीक्रिएट करती है पेनक्रियाटिक जूस सीक्रिएट करती है जो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स को और सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट कर देती है फिर जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है जो ऑलमोस्ट डाइजेस्ट हो चुका है वो कहाँ पर पहुँचता है लोअर पार्ट मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन इतना बड़ा है तो उसके नीचे नीचे स्तर पर पहुँचता है जहाँ पर जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं वो ऑलमोस्ट खाने को पूरी तरीके से जितने भी कंपोनेंट ऑफ द फूड है उसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देते हैं कैसे डाइजेस्ट करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसको छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है मतलब कार्बोहाइड्रेट को सिंपल uh, शुगर्स और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है फैट्स को काय में कन्वर्ट करता है फैटिक एसिड में कन्वर्ट करता है और प्रोटीन्स को काय में कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है तो आपकी बुक में जो ये लाइन है ये चार लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप एक, इसको अंडरलाइन करके रखो आपके दिमाग में एकदम रख लो इस इस चीज़ को कि अब जब खाना पूरा डाइजेस्ट हो चुका है मतलब सारा खाना अब कॉम्प्लेक्स नहीं रहा है वो सिंपल फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है ताकि हमारे ब्लड में वो घुल सके तो अब क्या होता है उसका ऑब्जर्बशन होता है ठीक है हमारी बॉडी अब उसको ऑब्जर्व करती है और ये जो ऑब्जर्बशन होता है वो भी कहाँ पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है है द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इन टू अ ब्लड वेजल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन जो स्मॉल uh, इंटेस्टाइन है उसके थ्रू जो ब्लड में हमारा खाना हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में घुल जाते हैं और पूरी हमारी बॉडी को मिल जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ऑब्जर्बशन बोलते हैं द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइंस हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउट ग्रोन्स दिस आर कॉल्ड विली तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा क्या होता है कि हमारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खून में मिल जाते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक -like स्ट्रक्चर्स होते हैं ठीक है जैसे फिंगर होते हैं हमारे जैसे हमारी उंगलियां होती हैं तो उंगलियां लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं विली बोलते हैं तो ये विली क्या करती है खाने के न्यूट्रेंट्स को ऑब्जर्व कर लेती है और उसका एक पार्ट काय में मिला होता है ब्लड वेजल से मिला होता है तो वो ब्लड वेजल में हमारा खा न्यूट्रिय डाल देती है और उस उस तरीके से हमारी पूरी बॉडी में वो न्यूट्रिशन पहुंच जाता है तो विली का काम क्या होता है ये ऑब्जर्बशन के लिए खाना ऑब्जर्व हो सके उसके लिए सरफेस लेवल बढ़ा देती है तो जितनी भी विली होती है एक एंड से तो वो खाना ऑब्जर्व कर रही है और दूसरा एंड कैसे कनेक्टेड है ब्लड वेजल से हमारी जो नस होती है ब्लड वेजल से कनेक्टेड होता है और वो खाना और वो न्यूट्रिएंट्स वो ब्लड में पहुंचा देती है और इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी में वो न्यूट्रिशन जो हमने खाया है वो ट्रांसफ़र हो जाता है यानी पूरी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में वो खाने जितो जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो पहुंच जाते हैं और यही खाना जो कि हमने खाया था जो लिक्विड फॉर्म में हो गया और पूरी बॉडी को जो पहुंच गया है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं एसीमुलेशन बोलते हैं मतलब ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में हमारे न्यूट्रिशन को पहुंचना इसको हम क्या बोलते हैं एसिमुलेशन बोलते हैं और इसकी वजह से क्या होता है हमें एनर्जी मिलती है कैसे मिलती है एनर्जी तो हमारे जो सेल्स होती है ठीक है हमारी बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी होती है तो हमारी सेल्स में क्या होता है कि ग्लूकोज पहुंचता है और ग्लूकोज क्या करता है ऑक्सीजन को काय में कन्वर्ट कर देता है ब्रेक डाउन कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ठीक है तभी हम जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है क्यों निकलती है क्योंकि हमारी बॉडी उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है और इससे क्या बनता है एनर्जी बनती है और हमारी बॉडी पूरी एनर्जी को यूज़ कर पाती है और इसके बाद जो खाना बचा हो हुआ है जो ऑब्जर्व नहीं हुआ है हमें उसकी ज़रूरत नहीं है अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है अनऑब्जर्वड फूड जो होता है वो कहाँ पर पहुँच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन वैसे तो मोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबी होती है ठीक है वो छोटे छोटे पोर्शन में बीच में डली होती है तो हमें लगता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी है मतलब साइज़ में छोटी है लेकिन ऐसा नहीं होता स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी है बाकी लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाइडर होती है मतलब थोड़ी मोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से आ, इसकी हाइट कितनी होती है ओनली वन पॉइंट फाइव मीटर सी होती है तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है क्या काम होता है इसका टू ऑब्ज़र्व वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम दी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल कि जो खाना अब डाइजेस्ट नहीं हुआ है ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ है जो ऑब्जर्व नहीं हुआ है उससे क्या ऑब्जर्व करना है सॉल्ट और वाटर ठीक है जो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ है उससे क्या ऑब्जर्व करना है उसको सॉल्ट यानी नमक और वाटर काय में ऑब्जर्व होते, है? होते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर ऑब्जर्व होते हैं कार्ड इंटेस्टाइन का काम क्या है सॉल्ट और वाटर को ऑब्जर्व करना ये ये चीज़ कर लेता है उसके बाद जो वेस्ट बचता है तो वेस्ट कहाँ पर चले जाता है रेक्टम में चले जाता है रेक्टम एक तरीके के स्टोर हाउस होता है ठीक है रेक्टम स्टोर करता है सेमी सॉलिड फेसेस को स्टोर करता है और यानी हमारा खाना वहाँ इकट्ठा हो जाता है और फिर फेकल मटेरियल इज़ रिमूव्ड थ्रो दी एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम और टाइम टू टाइम एनस के द्वारा फिर वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकलता जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं इजेशन बोलते हैं मतलब बॉडी से जो खाना हमने खाया था वो बाहर निकलना जो जो अन ऑब्जर्व्ड uh, फूड है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है वेस्ट है वो बाहर निकलना उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इजेशन बोलते हैं तो ये था पूरा ह्यूमन बीन्स में डाइजेशन कैसे होता है और न्यूट्रिशन हमें हमारी पूरी बॉडी को हमारी पूरी बॉडी के हर ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है इसको अगर समराइज़ करें तो सबसे पहले हमारे मुंह में खाना जाता है ब्यूकल कैविटी में जिससे मुंह में हमारा क्या है होता है कार्बोहाइड्रेट जो होता है स्टार्च जो होता है स्टार्च काय में कन्वर्ट हो जाता है शुगर में कन्वर्ट हो जाता है सबसे फर्स्ट स्टेप होती है डाइजेशन की उसके बाद क्या होता है ईसोफेगस से खाना पेट में चला जाता है तीन तरीके के चीज निकलती है क्या निकलता है म्यूकस निकलता है जो कि पेट की जो इनर लाइन है उसको प्रोटेक्ट करता है एस uh, सी क्या करता है जो एसिड निकलता है वो क्या करता है हमारे खाने को गलाता है और डायजेस्ट uh, करने में मदद करता है सेकेंड चीज़ वो क्या करता है अगर कोई भी बैक्टीरिया आ गया है खाने के साथ तो उसको भी वो एसिड uh, ख़त्म कर देता है और थर्ड चीज़ डाइजेस्ट uh, जूसेस क्या करते हैं uh, खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं काय को डाइज पेट में हमारे क्या डाइजेस्ट होता है प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं ठीक है मुँह में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है और कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च डाइजेस्ट होता है और हमारे पेट में क्या डाइजेस्ट होता है प्रोटीन डाइजेस्ट होता है और इसके बाद क्या होता है Uh, हमारे जो स्टमक है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना चले जाता है जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाता है तो लिवर और पेनक्रियाज uh, उसमें सिक्रीशन करते हैं लिवर क्या सिक्रीट करता है बाइल जूस सीक्रिएट करता है जो कायमे को डाइजेस्ट करता है फैट्स को डाइजेस्ट करता है पेनक्रियाज क्या सिक्रीट करती है पैनक्रियाटिक जूस करती है जो बच अगर कुछ भी चीज़ बच गई है कंपोनेंट्स ऑफ द फूड जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट्स uh, जो कि ऊपर कहीं डाइजेस्ट नहीं हुए हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में मदद करती है उसके बाद खाना ट्रांसफ़र होकर नीचे नीचे वाले पोर्शन में आने लगता है स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ पर क्या होता है फिंगर लाइक -like स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम विली बोलते हैं विली क्या करती है जो भी खाना डाइजेस्ट हो गया है अब खाना पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा खाना डाइजेस्ट हो गया क्या क्या हो गया है, क्या -क्या हो गया है कि कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है फैट सारे फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो गए हैं प्रोटीन सारा अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया है मतलब जो भी खाना हमने सॉलिड फॉर्म में खाया था वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो ये विली क्या करती है कि एक एक से वो न्यूट्रिएंट जो भी लिक्विड फॉर्म में हुआ है सबको ऑब्जर्व कर लेती है और दूसरे एंड से वो कायम से जुड़ी होती है हमारे ब्लड की वेजल जो नसों से जुड़ी होती है और नसों के द्वारा पूरी बॉडी में हमारा ब्लड के थ्रू सारा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी के हर ऑर्गन्स में पहुंच जाते हैं और इसके बाद जो अनऑब्जर्वड फूड होता है जो हमारी बॉडी ने ऑब्जर्व नहीं किया है वो कहाँ पर चल जाता है सारा का सारा आ, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें चले जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में का फंक्शन क्या होता है वो क्या करता है जो नमक और पानी को वो जो भी खाना बचा हुआ है जो अनऑब्जर्व्ड है उसमें से नमक और पानी को ऑब्जर्व कर लेता है और फिर वो रेक्टम में चीज़ों को भेज देता है रेक्टम एक तरीके से स्टोर करता है जो भी वेस्ट है उसको स्टोर करके रखता है और एनस के द्वारा टाइम टू टाइम जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है ये पूरा डाइजेशन का प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स में इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं जो ग्रास खाते हैं जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है तो उनके बॉडी में कैसे डाइजेशन होता है वो हम पढ़ने वाले हैं थैंक यू हैव अ नाइस डे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब